नमस्कार दोस्तों, रुलानिया क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हमारे नए मेहमानों से निवेदन है कि अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के लिए जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन बना है उस को प्रेस कीजिए। प्रेस करने के बाद जो बेल आइकन दिखाई देगा आपको, उसको भी प्रेस कीजिए ताकि हमारा आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक नई वैकेंसीज के बारे में। ये वैकेंसीज है स्टाफ नर्स की, स्टाफ नर्स की वैकेंसीज है और टोटल इसकी पोस्टें 78। ये वैकेंसीज कहाँ निकली है, टोटल इसकी कितनी पोस्टें हैं कैटेगरी वाइज, क्या इसकी फ़ीस रहेगी, क्या एज लिमिट रहेगी और कब तक आप फॉर्म जमा करवा सकते हैं और क्या ऑफिशियल इसकी साइट है, उस सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ऑफिशियल साइट की लिंक दे दूँ, वहाँ पर जाकर इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं, साथ में ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये वैकेंसीज निकली है डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़ के अंदर। और टोटल वैकेंसीज की बात की जाए तो टोटल 178 वैकेंसी हैं जिनमें कैटेगरी वाइज हम चर्चा करेंगे। तो इसकी जो लास्ट डेट रहेगी ऑनलाइन एप्लीकेशन की, वो रहेगी 25/10/2018 5 बजे तक, यानी 25 अक्टूबर 2018 तक शाम को 5 बजे तक आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब टोटल इसकी वैकेंसीज की बात की जाए तो ये पहले बात करते हैं पोस्ट क्या है, स्टाफ नर्स की पोस्ट है। पे स्केल की बात की जाए तो 10,300 से लेकर 34,800 और प्लस में जो 4600 ग्रेड पे है वो मिलेगा आपको, यानी अच्छा खासा ग्रेड पे मिल रहा है यहाँ पर। अगर पोस्ट की बात की जाए तो अनरिजर्व के लिए 99 पोस्ट हैं, SC के लिए 07, OBC के लिए 41 और एक्सर्मिस मैन कोटे की बात की जाए तो अनरिजर्व के लिए 12 सीट, SC के लिए 3 सीट और OBC के लिए 16 सीट, यानी कुल मिलाकर ये 178 पोस्टें हो गई। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी होना चाहिए, यानी आपका GNM किया हुआ होना चाहिए, या फिर BSc नर्सिंग है तो भी ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए नर्स या फिर मिडवाइफरी के रूप में कोई भी जो स्टेट काउंसिल है उसके अंदर, यानी आप इंडिया में कहीं से भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, अगर जहाँ से भी हो उस स्टेट में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए GNM में या BSc नर्सिंग के रूप में। इसके अलावा एक अन्य महत्वपूर्ण इन्होंने बात बताई है, वो है कि एक स्किल रिक्वायरमेंट है, स्किल का जो डिप्लोमा है वो होना चाहिए IT के अंदर। तो ये दिए गए इनके अंदर देख सकते हैं, अवेयरनेस इन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट ACC 20 घंटे का जो होता है वो कोर्स होना चाहिए, बेसिक कंप्यूटर कॉन्सेप्ट BCC का कोर्स होना चाहिए जो 36 घंटे का होता है, या फिर कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट CCC वो 80 घंटे का जो होता है वो होना चाहिए, या CC+ 126 घंटे का होता है वो हो सकता है, एक्सपर्ट कंप्यूटर कोर्स ECC 200 घंटे का होता है। इनमें से कोई भी एक डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए कंप्यूटर के क्षेत्र में आपके पास। इसके बाद जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो घटाई या बढ़ाई जा सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं अप्लाई करने की, तो आपको अप्लाई करने के लिए इसकी जो ऑफिशियल साइट है, ये ऑफिशियल साइट और मैं वेबसाइट की जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप वहाँ पर जाकर भी इसकी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट डेट रहेगी इसकी 25/10/2018 से लेकर ऑनलाइन अप्लाई करना स्टार्ट हो गया है, आप 25/8/2018 तक ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात की जाए तो इसकी एज है वो 1/1/2018 को आधार मान के गणना की जाएगी, और मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज 37 ईयर्स रहेगी। जो एज रिलैक्सेशन है अपर एज लिमिट के अंदर, तो वो जो SC है मैक्सिमम उसको 5 साल का मिलेगा, OBC है उसके लिए मैक्सिमम 3 साल का, और अन्य अदर कैटेगरी है एज पर चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स, उनको जो प्रावधान है उसके अनुसार जो एज में छूट मिलेगी वो अलग से मिलेगी। एक्स सर्विसमैन की बात की जाए तो उनके लिए अलग से नियम दिए गए हैं, तो आप इसकी जो PDF है वो डाउनलोड करके, फुल PDF डाउनलोड करके इसमें अंदर देख लीजिएगा। इसके बाद जो प्रोसीडर दिए हैं फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन की, वो सबसे पहले आप जब इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पर आपको गोट वैकेंसीज नाम का फोल्डर मिलेगा, उस पर जाना है, वहाँ पर जाकर आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जो ये इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, ये आप इंस्ट्रक्शन देख के फॉर्म भर सकते हैं, भर के क्लिक करके सेव करना है, और उसके बाद जो 20 KB की है किलोबाइट की, वो आपको फ़ोटो अपलोड करनी है। अपलोड करने के बाद आपको ये टर्म्स एंड कंडीशन पर क्लिक करके सर्टिफाइड हो जाए, फुल रूप से इसको भर दें तो इसको सेव करके और सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद इसको आपकी जो पेमेंट है वो पेमेंट करने के बाद आप यहाँ पर इसकी जो प्रोसीड है वो कर सकते हैं, और इसका जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड कर सकते हैं, यानी इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। ये पूरी प्रोसेस दी गई है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक है, वहाँ से इसकी PDF डाउनलोड करके फुल रूप से इसको देख कर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट नोट की बात की जाए तो वहाँ पे देख सकते हैं
ये अलग जो कुछ कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन का दिया या फिर कुछ अन्य चीज़ दी है वो आप पीडीएफ डाउनलोड करके देख सकते हैं। अब बात की जाए तो आपको किसी भी प्रकार की हार्ड कॉपी या प्रिंट आउट नहीं बेचना है, आपको केवल ऑनलाइन अप्लाई करना है। इसके अलावा अगर आपको ये फॉर्म में अप्लाई करने में डिफ़िकल्टी हो रही है या सबमिट करने में या ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ीस ये कोई चालान कटने में आपकी दिक्कत हो रही है, तो आप पर्सनल रूप से यहाँ पर ये जो एड्रेस है यहाँ पर जाकर संपर्क कर सकते हैं, या फिर ये टेलीफोन नंबर दिए गए आप इनसे भी पूछ सकते हैं, या फिर GMCC की जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर ये आप कॉल करके भी या ईमेल करके भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इन पर आप जो वर्किंग डेज है यानी संडे को छोड़कर 9 बजे से लेकर 5 बजे तक आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं। अप्लीकेशन फ़ीस की बात की जाए तो अप्लीकेशन फ़ीस ऐसी कैंडिडेट फॉर ऐसी पोस्ट के लिए उनको 250 रुपये तो फीस देनी होगी, और प्लस में जो बैंक चार्ज काटता है उसका मान लो 20 रुपये 30 रुपये वो अलग से देनी होगी, यार कुल मिलाकर 260 या 270 रुपये आपके लगेंगे। फॉर जो अदर कैटेगरीज के कैंडिडेट्स हैं उनके 500 रुपये प्लस से बैंक चार्ज की बात की जाए तो यानी 500 550 के लगभग आपकी फ़ीस लगेगी। SC के हैं तो 260 70 के लगभग, और जो जनरल के या फिर अन्य कैटेगरी के हैं OBC के हैं MBC के उनके लिए ये 550 के लगभग फ़ीस लगेगी। उसके बाद नोट देखा जाए तो नो सर्व एक्स सर्विस मैन है या फिर जो हैंडीक्राफ्ट है पर्सनल विद जो पर्सन विद डिसएबिलिटीज है निःशक्तजन है और उनकी जो एग्ज़ाम फीस है वो एग्ज़ाम फीस नहीं लगेगी। तो देख सकते हैं वोज नेम विल बी स्पॉन्सर्ड बाय द रीजनल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज RTUT चंडीगढ़ आर एक्सेप्टेड फ्रॉम अप्लीकेशन फ़ीस, यानी उनकी अप्लीकेशन फ़ीस नहीं लगेगी। इसके बाद जो रिजर्वेशन है और रिलैक्सेशन में छूट का जो प्रावधान है वो इनकी गवर्नमेंट का जो इनका नियम बना है उसके अनुसार आपको मिल जाएगा। इसके बाद जो अन्य इंस्ट्रक्शंस दिए गए किस प्रकार से उनको एज लिमिट में छूट मिलेगी उसके लिए आप ये देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करें रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया की, तो रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया वही हम बात कर चुके हैं, GNM या BSc नर्सिंग होना चाहिए, साथ में एक जो थोड़ा कंप्यूटर का डिप्लोमा वो होना चाहिए। अब बात करते हैं इसकी सिलेबस की, जो रिटन एग्जामिनेशन है वो पार्ट फर्स्ट की बात करें तो इसके अंदर आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा और वो 70 नंबर का होगा। बात की जाए तो सब्जेक्ट इसका जो दो पार्ट में होगा ये पार्ट फर्स्ट के अंदर सब्जेक्ट आएगा 30 नंबर का, तो उसमें सब्जेक्ट नॉलेज आएगा और जो नर्सिंग से रिलेटेड है वो 70 नंबर का होगा। और पार्ट बी की बात की जाए तो प्रैक्टिकल होगा इसके अंदर और प्रैक्टिकल असिस्टमेंट टाइप्स के क्वेश्चंस होंगे जिनको आप जो आपका रिलेटेड फील्ड है उससे रिलेटेड पूछे जाएंगे जो 30 नंबर के होंगे, और ये कुल मिलाकर टोटल 100 नंबर का हो गया पेपर, और 100 ही नंबर का होगा और 100 ही क्वेश्चंस इसके अंदर आने की संभावना है। बात की जाए अब इसके अंदर जो मिनिमम एज लाने मिनिमम जो नंबर लाने हैं वो जनरल कैटेगरी के लिए 50% ज़रूरी है, और जो PH कैटेगरी उनके लिए 45% और SC कैटेगरी के लिए 40% मिनिमम पास मार्किंग नंबर है ये। और नेगेटिव की बात की जाए तो नेगेटिव मार्किंग है इनकी, वो नेगेटिव मार्किंग 0.25 रहेगी, यानी 0.25 आपका 1% गलत होता है तो उसका कट जाएगा, यानी कुल मिलाकर बात की जाए तो 4% गलत होती है आपका 1 सही % कट जाएगा। इसके बाद जो अन्य कुछ योग्यताएं दी गई हैं जनरल कंडीशंस दी गई हैं वो आप यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर किसी भी प्रकार का आपका पर्सनल इंटरव्यू नहीं होगा, और जो एग्ज़ाम सेंटर है वो केवल चंडीगढ़ के अंदर ही रहेगा, अन्य कहीं पर भी चंडीगढ़ के अलावा एग्ज़ाम सेंटर नहीं रहेगा आपका। और इसके अलावा जो कुछ अन्य योग्यताएं हैं या फिर इसकी समय समय पर कुछ चेंज होता है या फिर नई सूचना आते हैं तो इसकी वेबसाइट पर देख लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से भी जाकर इसकी ऑफिशियल साइट पर आप पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में केवल इतनी ही बात करेंगे, अगर वीडियो में दी गई सूचनाएं अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और इसी प्रकार की लेटेस्ट जॉब एजुकेशन और एंट्रेंस एग्जाम से जुड़ी हुई वीडियो सबसे पहले पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में केवल इतनी ही बात करेंगे, मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।